नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है उपेंद्र और दोस्तों आज ये हमारे पास है हुंडई क्रेटा। इसका एक डिटेल्ड वर्कन हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, वहां जाके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं इसकी माइलेज, क्योंकि ये है आईवीटी और आईवीटी सिर्फ मिलता है 1.5 लीटर एमपीआई पेट्रोल इंजन के साथ। ये एक 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है जो कि ये जो हमारा सफर है ये जो है थोड़ा मिक्स रहेगा। अभी हम हाईवे से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 152 डी है जो कि नारनौल से और अम्बाला तक का हाईवे है। काफ़ी खूबसूरत ये हाईवे है और यहाँ से हम शुरू करके और फिर थोड़ा लोकल रोड पे जाएंगे और काफ़ी लंबा हमारा सफ़र है। तो जहाँ भी नेक्स्ट मुझे पेट्रोल पम्प दिखेगा वहाँ से मैं इसको फुल कराऊंगा और उसके बाद चेक करेंगे इसकी माइलेज। तो चलिए चलते हैं। सो ये है हुंडई क्रेटा का इंटीरियर। काफ़ी जो ये टॉप वेरियंट के अंदर स्क्रीनस हैं ये काफ़ी सुंदर ये लगती हैं और ये स्टेयरिंग व्हील है कुछ इस तरह का। डूल जोन एसी यहाँ पे है। यहाँ से हम अब गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। चलिए अब हम चलते हैं। एक बस दिक्कत है यहाँ पे ना, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आता है यार। ये बता के थक गया हूँ मैं हर वीडियो में, बट ये बहुत गलत किया है इन्होंने, क्योंकि प्राइजिंग जो है जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, प्राइजिंग ज़्यादा है गाड़ी की। उस हिसाब से मुझे लगता है कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले तो होना ही चाहिए था। तो अब चलते हैं और हम फिलहाल क्योंकि एक बहुत ही अच्छे हाईवे के ऊपर है तो मैं यहाँ क्रूज लगा दूंगा। वैसे यहाँ पे एडवांस फीचर्स आते हैं, लेन कीप असिस्ट और इसके अलावा स्टीयरिंग असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट और जो क्रूज कंट्रोल है वो भी अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल यहाँ आता है। सो कीप योर हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील, ये ऐसे बोल रहा है मुझे। और साथ ही यहाँ पे अटेंशन असिस्ट भी आता है कि अगर फटीग लेवल ड्राइवर का जो है वो बढ़ रहा है तो यहाँ पे सामने आएगा कि आप अपना जो ब्रेक है कॉफ़ी ब्रेक या टी ब्रेक वो ले लीजिए। तो इस तरह के कुछ शानदार फीचर्स आपको यहाँ हुंडई क्रेटा के अंदर मिलते हैं। यहाँ मैं क्रूज सेट कर लेता हूँ अपना। यहाँ 100 की स्पीड जो है वो अलाउड है तो उस हिसाब से मैं इसको 98 पे सेट कर लेता हूँ। सो ये अभी मैंने सेट लिमिट जो है वो रखी है 98 किलोमीटर पर आवर की। चलते हैं और नेक्स्ट जो भी पेट्रोल पंप आएगा, चाहे वो इस हाईवे पर मुझे मिले या फिर इस हाईवे से जब मैं नीचे उतर जाऊंगा तब मुझे मिले, तो वो अभी बस फटाफट से इसमें फ्यूल फिल कराते हैं। लो भाई टैंक फुल होगा अब अपनी गाड़ी में, देखते हैं कितना लीटर तेल आता है। भाई फुल कर दो आप। सो भाई बिल्कुल ऊपर तक फुल कर देंगे। टैंक की बचेगी भाई। बस तो भाई लो ऊपर तक पूरी फुल हो गई है। 31.52 लीटर जो है वो तेल आया है अभी। अब देखते हैं कितना चलेगा। 20 लीटर। लो भाई अब बिल्कुल फुल है टैंक, ये देख सकते हो आप, यहाँ पूरा फुल टैंक है और ये 803 किलोमीटर की अभी रेंज दिखा रही है गाड़ी। और मैं इसका ट्रिप जो है वो जीरो कर दिया मैंने। एक सेकेंड में दिखा देता हूँ आपको। एक सेकेंड, यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ लास्ट रीसेट से जीरो। ये लो जी सिंस रिफ्यूलिंग, ये देखेंगे हम। तो ये जीरो मैंने कर दिया है बिल्कुल। और अभी नॉर्मली ओडोमीटर भी देख लो, 243 किलोमीटर की जो है वो यहाँ पे ओडोमीटर दिखा रहा है। ओहो, सो ये देखिए। तो चलते हैं अब अपनी ड्राइव पे आगे। सो अभी हम लगभग 25 किलोमीटर चल चुके हैं और अब मेन हाईवे से हम नीचे उतर के और एक लोकल स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रेकर्स जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब कोई भी मतलब इशू आपको नहीं लगता है, हालांकि गाड़ी नई है तो ड्राइविंग में तो मज़ा आ ही रहा है यार। कुछ टाइम तक तो ब्रेक वगैरह जो है वो बड़ी दुरुस्त रहती हैं। वैसे ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स हैं, ABS EBD दी गई हैं, तो इस तरह के हाईवे पर भी चलने में कोई ऐसी परेशानी आती नहीं है। और कुछ यहाँ पर जो है आपको अडास फीचर्स मिल रहे हैं तो ब्रेक जो है ना गाड़ी कई जगह अपने आप ही लगा दे रही है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक चीज़ मतलब अब ना जो जितनी गाड़ियाँ ज़्यादा टेक्निकल वो होती जा रही है ना और कनेक्टेड होती जा रही हैं मतलब की गाड़ियाँ, उतनी ज़्यादा ना एक दिक्कत है ये टू टा और बहुत ज़्यादा साउंड बहुत ज़्यादा आते हैं अब गाड़ियों के अंदर यार। तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ वार्निंग देती रहती है और फिर देखना पड़ता है कि क्या वार्निंग है। कुछ अच्छे फीचर्स हैं जो मैं एक बार पहले दिखा देता हूँ आपको ड्राइव करते करते। वो जैसे कि यहाँ अगर मैं राइट इंडिकेटर दूंगा तो ये देखिए राइट का जो कैमरा है, इस ORVM के नीचे जो कैमरा है वो ऑन हो गया और मुझे यहाँ पर दिखाई देगा राइट ORVM, मतलब कि मेरे को ब्लाइंड स्पॉट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दूंगा तो ये इस तरफ वो वाला जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे कुछ फीचर्स हैं। हालांकि पता नहीं आप यहाँ ध्यान दोगे या नहीं दोगे, क्योंकि हमें आदत हो जाती है कि हम जब तक यूँ ना देख लें पहले ही हमारी जो नज़र है वो उधर चली जाती है उन ORVMs की तरफ।
तो फिर इन चीज़ों की इतनी अहमियत अभी अभी हमें इतनी आदत नहीं हुई है, हालांकि कुछ टाइम बाद या फिर लगातार इन गाड़ियों को चलाने के बाद शायद हमें आदत हो जाए कि हम उन मिरर्स को भूल जाएं और सिर्फ ये कैमराज के ऊपर ही हम रहें। फिलहाल जो है ये गाड़ी काफ़ी सही चल रही है और सामने की तरफ जो माइलेज यहाँ दिखा रहा है रीसेट के बाद 14.7 किलोमीटर पर आवर की एवरेज पर लीटर की सॉरी 14.7 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ये अभी दिखा रही है। और इससे पहले अभी जब हमने फुल कराई ना, तो उससे पहले जब ये गाड़ी नहीं ली थी तब भी फुल कराई थी तो लोकल गाड़ी चली थी उस टाइम, वो मैं एवरेज बता देता हूँ, लगभग 13.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज इस गाड़ी ने लोकल विद एसी जो है दी है। एसी ज़्यादा टाइम नहीं चला, दोपहर को एसी की ज़रूरत पड़ती है, अभी सुबह और शाम को जैसे कि अभी एसी नहीं चल रहा है और सुबह के लगभग 8 बजे हैं तो अभी एसी की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ जैसे जैसे दोपहर होगी एसी की ज़रूरत पड़ेगी और हमें एसी चलाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल ड्राइविंग काफ़ी सही है, इसकी ड्राइव जो रिव्यू है वो फुल चैनल पे आपको मिलेगा तो वो बाद में आएगा, पहले आप ये वीडियो देख रहे हो, कुछ टाइम बाद आपको इसका डिटेल्ड एक ड्राइव रिव्यू भी मैं और विनय डालेंगे। और हमारा जो ड्राइव रिव्यू है वो थोड़ा अलग तरीके का होगा इस बार, तो वो हमने डिसाइड किया है। और अभी भाई एक कुत्ता आ रहा था भागते हुए, तो डरने की जरूरत नहीं है, अगर सामने भी आ जाएगा तो ब्रेक अपने आप लग जाएगी। तो बस यही तो मज़े हैं आजकल इन गाड़ियों के रडार फीचर के। तो भाई अभी अपडेट है, हम चल चुके हैं 159.5 किलोमीटर्स, सो लगभग 160 किलोमीटर हम चल चुके हैं और लगभग हमें अभी चलते हुए हो गया, जब से मैंने ये रीसेट किया था लगभग 2 घंटे 50 मिनट मतलब 3 घंटे के आसपास हमें चलते हुए हो गए हैं। और अभी जो डिस्प्ले में सामने दिखा रही है वो माइलेज तो बड़ा ही डिसअपॉइंटेड सी दिखा रही है भाई, 12.8 किलोमीटर पर लीटर दिखा रही है। और हाँ ये ऐसा हो सकता है कि क्योंकि अभी हमने रास्ते में ना एक पूरी सिटी क्रॉस की और वो भी अंदर से बहुत ट्रैफिक के बीच से, साथ ही जिस रूट पे हम चल रहे हैं वो एक स्टेट हाईवे है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादा हम स्पीड नहीं चला पा रहे हैं, बार बार हमें ब्रेक यूज़ करना पड़ रहा है, जैसे देख रहे हैं आप तो कोई भी बीच में जो है रोड क्रॉस करता है फिर हमें थोड़ी ब्रेक लेनी पड़ती है, तो ये सब चीज़ें तो देखो नॉर्मल हैं इस हाईवे पे जो हम फेस कर रहे हैं। और अभी 12.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज सामने डिस्प्ले में दिखा रहा है, अभी क्या माइलेज देगा वो हम आपको बताएंगे ऑब्वियसली, बट फिलहाल अभी माइलेज जो है वो काफ़ी कम है। और अंदर का जो एम्बियंस है वो सही है, एसी अभी हमने चलाया हुआ है, ड्यूल जोन एसी यहाँ मिलता है तो एसी वगैरह का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह मिलती हैं वो हमने चलाई नहीं है क्योंकि अभी इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो नॉर्मली अभी एसी ऑन है। नेविगेशन हमने जो है वो अभी हुंडई का ही यूज़ कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट नेविगेशन है वो हम यूज़ कर रहे हैं और ये ठीक है, मतलब हमने गूगल के साथ मैच करके देखा तो ये सही रूट दिखा रहा है काफ़ी अच्छे से, तो ये सब चीज़ें जो हैं ठीक चल रही हैं। ड्राइविंग जो है वो हम आपको इसके रिव्यू में आपको बताएंगे कि इसकी ड्राइविंग कैसी है, क्योंकि जो इसमें इंजन है मैंने बताया था 1.5 लीटर MPI नेचुरल रेस्पिरेटेड इंजन, पावर जनरेट करता है वो 115 PSK और टॉर्क है 143.8 न्यूटन मीटर और ये IVT है। IVT आप सब जानते ही हैं भाई, बेल्ट ड्रिवन एक ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। तो इसकी ड्राइव कैसी है वो मैं और विनय आपको दिखाएंगे अपने ड्राइव रिव्यू में, वो ज़रूर देखना इसका क्योंकि वो देख के आपको पता लगेगा कि ये गाड़ी की ड्राइविंग कैसी है, माइलेज इस वीडियो में बता देंगे। सो अब मैं चल चुका हूँ 279 किलोमीटर्स और लगभग 5.5 घंटे ये दिखा रहा है, 5 घंटे 19 मिनट, बट ये 5 घंटे 19 मिनट नहीं है भाई, हमने एक होल्ट लेना था, लगभग 1.5-2 घंटे का होल्ट था हमारा। ओके ये यहाँ पे आपको वार्निंग्स देती रहेगी, तो ये होल्ड था हमारा, उसको मिला के ये 5.5 घंटे हुए हैं और 12.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज अभी सामने क्लस्टर में यहाँ पे दिखा रहा है और एग्जैक्ट जो माइलेज आएगी वो तो मैं आपको एंड में दिखाई दूंगा जब हम इसको फुल कराएंगे गाड़ी को। और काफ़ी सही है भाई, अभी तो ड्राइविंग मज़ा आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है पता है इतना 12.5, क्योंकि हम राजस्थान के रोड्स पे ड्राइव कर रहे हैं और राजस्थान में ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे नेशनल हाईवेज हैं जहाँ पे बहुत अच्छी स्पीड में आप चला सकते हो, तो हमने इसको एसी के साथ, अभी देखो एसी चल रहा है, लगातार एसी चल रहा है पिछले स्टार्टिंग से ही मतलब, और बहुत सही मतलब अच्छी खासी स्पीड हमने इस गाड़ी की चलाई है, मोर देन 100 मतलब 100 प्लस स्पीड में हमने इस गाड़ी को चलाया, अभी भी हम 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड से यहाँ पे इस रोड पे चल रहे हैं। ये अभी स्टेट हाईवे है राजस्थान का, तो राजस्थान में हाईवेज पे ड्राइव करने का प्लेजर अपने आप में ही भाई बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आता है यहाँ पे ड्राइव करने में क्योंकि रोड बिल्कुल खाली रहते हैं और हाईवेज जो है वो बहुत अच्छे बने हुए हैं। सो कुछ इस तरह के रोड्स हैं यहाँ पे। अब हम इतना हाईवे पे और इतनी देर से चल ही रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हम
सेफ्टी को लेके काफ़ी कंसर्न रहते हैं। तो यहाँ पे 6 एयरबैग है, स्टैंडर्ड दिए ही गए हैं, अडास फीचर्स दिए गए हैं, लेन कीप असिस्ट वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए सो यहाँ पे आपको लेन कीप असिस्ट, ब्रेक असिस्ट और ये सब चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा 6 एयरबैग्स है, स्टैंडर्ड यहाँ पे हुंडई ने दे दिए हैं, ABS, ABD और 360 डिग्री कैमराज, तो काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स यहाँ क्रेटा में आपको मिलते हैं। सो भाई अब हो चुकी है रात और बहुत देर हो गई है चलते चलते। वैसे यहाँ पे जो टाइम दिखा रहा है 8 घंटे 26 मिनट दिखा रहा है, जब मैंने लास्ट रीसेट किया था और 8.5 घंटे, बट इतना हम चले नहीं है, लगभग 2 घंटे का हमारा होल्ड था, 2 भी नहीं 2.5 घंटे का 2.5-3 घंटे का होल्ड था, तो लगभग 5-5.5 घंटे हम चले हैं। 415 किलोमीटर हम चल चुके हैं जब से रीसेट किया था हमने टैंक फुल करा के। 12.8 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दिखा रही है। AC अभी भी ऑन है और जाम लगा हुआ है, काफ़ी जगह हमें जाम का सामना करना पड़ा भाई आज। कुछ जगह ऐसी थी क्योंकि जहां हम गए थे वहां मतलब किसी रिलीजियस प्लेस पे गए थे और वहां पे काफ़ी ज़्यादा जाम था उस वजह से, तो कुछ उसका भी इफ़ेक्ट है एवरेज के ऊपर, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा ही। फ़िलहाल जो है अभी हमें और किलोमीटर कुछ चलने हैं और जैसे ही मुझे लगेगा कि अब हमें जो है टैंक फुल करा देना चाहिए दोबारा, तो फिर हम टैंक फुल कराएँगे और फिर आपको एवरेज बताएँगे। सो फाइनली यही डिसाइड हुआ कि हम जाएंगे अब मुंबई एक्सप्रेसवे से, तो पूरा जयपुर जो है वो हमें क्रॉस करके निकलना है। और जयपुर में फ्लाईओवर के नीचे लाइट है भाई, डिस्को लाइट्स लगी हुई हैं पता नहीं क्यों, और रंग चेंज करती हैं भाई लिटरली लाइट्स यहाँ पे, तो काफ़ी खूबसूरत सा शहर है जयपुर। अभी हम जयपुर क्रॉस करेंगे तो पूरे सिटी को क्रॉस करने में यहाँ पे थोड़ी माइलेज जो है ना उसकी थोड़ी बैंड तो बजेगी, बट कोई बात नहीं। और इसके अलावा वहाँ जब हम एक्सप्रेसवे पे पहुँचेंगे तो वहाँ 130-140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो इसकी वो वाली स्पीड जो है ना वो भी चेक करने वाले हैं। सो अब रात के 11 बज गए हैं लगभग और अभी जो गाड़ी है वो चल चुकी है 567.5 और मतलब 568 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल चुकी है। और अभी यहाँ पे जो फ्यूल इकोनमी है वो दिखा रहा है 13.2 किलोमीटर पर लीटर, ये देखिए आप यहाँ पे 13.2 किलोमीटर दिखा रहा है। और अभी हम मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर हैं जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली अभी गाड़ी को क्रूज़ लगाए हुआ है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो अलाउड है यहाँ पे, तो हमने 118 पे क्रूज़ लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ आप देखिए तो 118 पे क्रूज़ जो है वो अभी लगा हुआ है इस गाड़ी में, तो इसी क्रूज़ स्पीड पर हम आगे अभी बढ़ रहे हैं। सो भाई फाइनली हो चुके हैं अपने 700 किलोमीटर्स पूरे और हम आ चुके हैं गुड़गांव के अंदर। ये देखिए 700 किलोमीटर्स पूरे चल गए हैं और 14.3 किलोमीटर पर लीटर की जो है ये माइलेज यहाँ अभी दिखा रही है गाड़ी। और यहाँ आप देख रहे हैं फ्यूल का आ गया साइन, अभी यहाँ दिखा रहा है रेंज 43 किलोमीटर्स की, तो लगभग 50 किलोमीटर और गाड़ी चलेगी, 750 किलोमीटर लगा लीजिए और थोड़ा मतलब रिजर्व में भी थोड़ा बहुत फ्यूल रहता है 10-20-30 किलोमीटर का, तो 750 ही लेकिन लगाइए, रिजर्व को नहीं हम जोड़ेंगे। और यहाँ पे अब आ गया है सामने एक मैसेज, इनसफिशियंट फ्यूल इन कार, डू यू वॉन्ट टू सर्च फॉर द नियरेस्ट फिलिंग स्टेशन। सो अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके इसके अंदर सारे नियरेस्ट फिल जो, हाँ ये देखिए सारी लिस्ट आ गई पूरी की पूरी, तो यहाँ सामने की तरफ आपको सारे फ्यूल स्टेशन दिखाई देते हैं। तो अभी बस नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन पे जाएंगे और फिर इसको फिल कराते हैं। लो भाई फाइनली हम अब यहाँ पे फ्यूल पंप पे रिफ्यूलिंग कराएंगे और ये आप देख लीजिए 712 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, तो मतलब 955 किलोमीटर यहाँ पे ओडोमीटर पे दिखा रहा है अभी, तो आप देख लीजिए मतलब यहाँ पे जो रेंज है 24-25 किलोमीटर की दिखा रही है, तो आप 25 किलोमीटर भी जोड़ेंगे तो 740 किलोमीटर, तो इस हिसाब से जो माइलेज आपको लग रही है यहाँ नीचे 14.2 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है भाई, ठीक है। सो यहाँ पे इसके हिसाब से तो 14.2 किलोमीटर पर लीटर दिखा रही है। अब हम फ्यूल बिल्कुल फुल कराएंगे और फिर देखेंगे कि क्या होने वाला है, तो फटाफट फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग कराते हैं, रिफ्यूलिंग फुल कर दो भाई बिल्कुल। लो जी बिल्कुल फुल कराएंगे ऊपर तक जैसे सुबह कराया था। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 50 लीटर का है, थोड़ा सा ज़्यादा ही आ जाता है, तो देखते हैं अभी फ़िलहाल कितना लीटर आता है। ये
लो भाई कट तो लग गया 47.45 पे, बट भाई फुल करनी है भाई, बिल्कुल ऊपर तक करनी है। अभी तो इसमें बहुत तेल आएगा। बस 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 ये लो भाई, बिल्कुल फुल आ रहा है। करा लेना था और कराओ, थोड़ा सा और कराओ। लो भाई बिल्कुल फुल कर दिया हमने कल की तरह, और तेल आया है 51.53। ये फ्यूल आ गया पूरा 51.53 लीटर्स। अब उस हिसाब से जो है कैलकुलेट करते हैं। लो भाई ये है 712 किलोमीटर, और अभी जो फ्यूल आया वो आया है 51.53। सो अब करते हैं फाइनल कैलकुलेशन इसकी। लो भाई ये आ गया है इसका फाइनल फ्यूल इकोनॉमी 13.81 किलोमीटर पर लीटर। सामने दिखा रहा है 14.2, बट फुल कराया हमने, बिल्कुल फुल टैंक, मतलब टैंक टू टैंक हमने इसको चेक किया है, और ये है इसकी 13.81 किलोमीटर पर लीटर की एक्चुअल माइलेज इस MPI नेचुरल एस्पिरेटेड 1.5 लीटर इंजन की IVT ट्रांसमिशन के साथ। सो यहाँ पे काफ़ी सही है, और मुझे ये भाई काफ़ी अच्छी लगी ये माइलेज। थोड़ा सा मैं गाड़ी जो है आगे ले लेता हूँ और फिर आप लोगों से बात करता हूँ। सो बेसिकली मुझे ये बहुत अच्छी लगी माइलेज। क्यों लगी अच्छी? क्योंकि मैंने इस गाड़ी को बहुत 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 तेज चलाया है भाई। हमने ना, चाहे मुंबई एक्सप्रेसवे हो, अगर आप जानते हैं मुंबई एक्सप्रेसवे को तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बहुत तेज जो है ना गाड़ी चलाना अलाउड है। सो 120 की स्पीड में हमने इसको वहाँ पे चलाया, और काफ़ी मैक्सिमम जगह पे हमने इसको 100+ ही चलाया है, और उस हिसाब से 13.8 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज निकालना गाड़ी की, और वो भी IVT ट्रांसमिशन है और 1.5 लीटर का एक 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, तो वो काफ़ी सही है। हाँ, इसकी ड्राइव के बारे में जो बात है वो हम इसके ड्राइव रिव्यू में करेंगे। सो वो हमारा ड्राइव रिव्यू जो आएगा ना हमारे चैनल पे कारक्वेस्ट पे, वो ज़रूर देखना। यहाँ कारक्वेस्ट पे अगर आपको हमारा ये माइलेज टेस्ट, ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो रात के बज गए हैं भाई अब 1:30, और अब इस वीडियो को करते हैं फिनिश। आई होप कि आपको ये जो माइलेज है ये समझ में आई होगी कि हमने किस तरह से निकाली, और वाजिब लगी होगी आपको ये वीडियो, तो शेयर ज़रूर कर देना। बाकी बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।